अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम सी व्यू पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक जहाज़ हैंग टोंग 77 जो कि तकरीबन 5 रोज़ से यहाँ पर फंसा हुआ है। लोग इसको देखने के लिए काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, मगर यहाँ पर लोगों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा और दफ़ा 144 नाफिस कर दी गई है और लोगों को बहुत दूर कर दिया गया है इस जहाज़ से कि वो लोग जाकर जहाज़ के करीब कोई नुकसान ना पहुंचाएं या पानी में आगे ना जाएं। इस वजह से लोगों को दूर कर दिया गया है। तो निकालने की अभी तक कोई कोशिश की नहीं गई है और यहाँ के जो मिनिस्टर हैं पोर्ट एंड शिपिंग के, उन्होंने कहा है कि ये मालिक की जिम्मेदारी होती है, अगर जहाज़ कहीं पर फंस जाए तो उसका काम है कि उसको बाहर निकाले। एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर इस जहाज़ को देखने के लिए आई हुई है, मगर दफ़ा 144 लगा दिया गया है और यहाँ पर लोगों का दाखिला मना कर दिया गया है और सीयू पे भी दफ़ा 144 नाफिस कर दिया गया है ताकि लोग यहाँ पर दाखिल ना हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? अबू बकर। अबू बकर साहब, यहाँ क्या देखने आए हैं? जहाज ही देखना है हम। घूमने नहीं आए जैसे भी आप? घूमने भी यहाँ बंद पड़ा हुआ पुलिस वाले। हाँ, क्यों बंद कर दिया ये मेरे को नहीं पता। नहीं पता मेरे को। 144 लगा दी गई है इस वजह से बंद कर दिया। चले गए। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शेरोज। शेरोज साहब, यहाँ क्या करने आए थे? हम यहाँ पर घूमने आए थे, 13th-14th दिन था ईद का ना, तफरी के लिए आए थे। तो यहाँ पर तो जहाज आके फंस गया कहीं से, किसी मुल्क में जा रहा था। तो आप आगे जाने दिया? नहीं, आगे जाने नहीं दे रहे हैं, पुलिस की सख्त कार्रवाई है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, यहाँ पे खड़े भी नहीं होने दे रहे हैं, बाकी आगे जो है ना पुलिस वाले डंडे वगैरह लेकर आ गए हैं, भगा रहे हैं। अब हम वापसी घर जा रहे हैं। अच्छा, काफी दूर का। नहीं, कहीं पर भी नहीं जा नहीं दे रहे, मुकम्मल बंद कर दिया। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रफाकतुल्ला। रफाकत साहब, क्यों यहाँ घूमने आए थे या क्या? जहाज़ जी, हम स्पेशली जहाज़ देखने आए हैं। तो ये पनामा का जहाज़ है, यहाँ पे ग्राउंड हो गया, इसको देखने के लिए आए हुए हैं। आगे गए देख कर आए आप? नहीं, आगे पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे क्योंकि आपको पता है कोरोना की सूरत हाल भी ऐसी है, जिस वजह से जाने नहीं दे रहे। ये तो कहते हैं दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन फिर भी आप रश देख रहे हैं। ये सारे मेरे ख्याल में जहाज़ देखने आए हुए हैं, तो इस वजह से आप देख रहे हैं साथ में, ये काफ़ी रश। दूर से ही खड़े होकर देख रहे हैं? हाँ, दूर से खड़े होकर देख रहे हैं और दूर से इसकी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आगे तो जाने नहीं दे रहे पुलिस वाले। चले, शुक्रिया। हाँ, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम साहब, क्यों आए थे यहाँ पर? यार घूमने आए थे, वो वैक्सीनेशन वाला सीन चल रहा है। अच्छा। एक तो खाने का वो हमारा देख लिया, वहाँ पे हज वगैरह का सारा सिस्टम बंद जगह रहा, वहाँ पे फुटबॉल चलता रहा इंग्लैंड वगैरह पर हर जगह। हमारी कौम यहाँ पे वैक्सीनेशन करवा ले तो सब खुल जाएगा। अच्छा। सीन ये लोगों को यहाँ डर लगा हुआ है कि यार 2 साल में बंदे मरेंगे वैक्सीनेशन से। मैं पिछले 4 साल से काम करूँ वैक्सीनेशन के साथ वालों के साथ, आज तकरीबन 6 महीने हो गए। वहाँ पे यही बताया जाता है कि आप वैक्सीनेशन करवाओगे। मकसद आपका यहाँ आने का क्या है? यार घूमने का था मकसद, सब बंद पड़ा। सीवीओ के चक्कर में आए थे जहाज को, हमने क्या करना है यार? आप घूमे यहाँ पे या नहीं घूमे? क्या घूमे, सब बंद पड़ा हुआ, जाने दे ही नहीं रहा कहीं। मालूम नहीं, बस बंद है, पता नहीं। चलो अब देखो, कुछ भी सीन नहीं है भाई, जाने वाला वापसी। थैंक यू। अस्सलाम। आप यहाँ सीयू पर आए, क्या देखने आए? अरे बच्चों को लेकर, थोड़ा मैं घर में इसकी छुट्टियाँ थी। अच्छा। मैं थोड़ा तफरी हो जाएगी, लेकिन यहाँ आया तो सब कुछ बंद था। यहाँ क्यों बंद कर दिया? यही कोरोना की वजह से। और नहीं, कोरोना की वजह से बंद करा हुआ है। वैसे तो नहीं, नहीं जहाज की वजह से बंद नहीं है। करीब जाने दे रहे हैं? नहीं नहीं, किसी करीब नहीं जाने दे रहे बिल्कुल भी। दो चले। थैंक यू, शुक्रिया।
गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।